आज की क्लास में हम आपके साथ एमएस वर्ड, हमारी एमएस वर्ड की ट्यूटोरियल एमएस ऑफिस की ट्यूटोरियल एमएस वर्ड हम कर रहे हैं। और एमएस वर्ड में लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, आपकी आवाज कट रही है बहुत। कॉपी पेस्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया। जी तो चलिए हम आगे चलते हैं। और आपके बैकग्राउंड से आप आज शोर आ रहा है सर। अच्छा ठीक है सही। मैम आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब पूछना होगा तो म्यूट। अच्छा मेरे बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, अब सही है। बेसिकली रिकॉर्डिंग फिर डिस्टर्ब हो जाएगी ना आपकी, तो फिर अच्छा तो आज हम बात करते हैं अपने फॉर्मेटिंग के बारे में, फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने डेटा है उस डेटा को फॉर्मेट, इसके बारे में चलिए हम आपके पास डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फॉन्ट के बारे में जानते हैं। फॉन्ट मतलब कि लिखावट, कि तो हम यहाँ भी टाइप करते हैं उसकी लिखावट कैसी होगी। तो डिफॉल्ट जो है वो कैलिब्री का होता है, लेकिन आप इसमें सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट ले सकते हैं। अलग अलग फॉन्ट है, जी अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अलग जी अलग सिचुएशन में हम इस फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने हिसाब से फॉन्ट जब सिचुएशन हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप ओके कुछ टाइप करने जा रहे हैं तो पहले ही मैं बता दूं आपको, जैसे मान लें कुछ आपको अगर आप लेटर ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं तो ड्राफ्ट करने के बाद जो फॉर्मेटिंग करेंगे उससे अच्छा है कि पहले ही आप अपना फॉर्मेट सेट कर लें, उसके बाद आप जो है टाइपिंग कर लें। नहीं, अगर आपने टाइप कर लिया है फिर बाद में फॉर्मेटिंग करना है तो उस पैराग्राफ को, उस लाइंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और सिलेक्ट कर अच्छा बाद आप अपना फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉन्ट हो गया, आपका साइज हो गया, टेक्स्ट साइज हो गई, उसके अलावा बोल्ड करना है यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट कंट्रोल भी होता है। इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन देना है तो अंडरलाइन दे सकते हैं, या फिर कोई बहुत अच्छा गलत लग रहा है आप बताना चाहते हैं कि गलत है तो ये बीच बीच क्रॉस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। अच्छा तो इससे क्या होगा, ये लाइन आ जाएगी इसके ऊपर, बीच बीच लाइन हो जाएगी जिससे फील होगा कि गलत तो लाइन डालने की जरूरत है, इसको डिलीट कर देंगे। है। नहीं, जैसे कि आप मान लीजिए, तो सही है आपने बोला कि रिलीव कर देंगे, मैं हुआ क्या आपको कि आपको किसी ने प्रपोजल बनाया आप क्यूसी करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए दिया, तो आप डिलीट तो नहीं करोगे ना, आप तो बताओगे ना कि भाई यहाँ यहाँ गलत है, या स्पेलिंग मिस्टेक हो, अच्छा या वर्ड वहां पे नहीं होना चाहिए था, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई ऑलराइट करोगे भाई गलत है, तो उसके लिए ओके समझ में। तो हर चीज का एक जी अलग यूज सोचना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक अच्छा है। तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। अब बात करते हैं ए सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको 10 स्क्वायर देना है, तो आपने 10 स्क्वायर 102 लिखा और टू को सिलेक्ट करके ए इसको सुपर स्क्रिप्ट दिख रहा है आपको, इसको ए ऊपर चला जाएगा। या 10 अच्छा लिखना हो तो 10, हाँ अब देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो अब देखिए कुछ चीज देख रहे हैं आप यहाँ पे, कि जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो ऑलरेडी ये आ रहा है क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट लिखा है। ध्यान रखिएगा कि सुपर स्क्रिप्ट आप अप्लाई किया तो उसको डिसअप्लाई भी करना होगा, तब जाकर आप नॉर्मल टाइप कर, ये बात समझ में आई आपको। नहीं ये बात समझ नहीं। आपने एक बताया कि अगर कोई नंबर पे आपको होल स्क्वायर डालना है तो फिर आप उसको दबाएंगे राइट है, पहले नंबर को 0 को और फिर एक्स को दबाएंगे तो आ जाएगा है ना, उसके बाद दूसरा जो नीचे है वो क्या है। बता रहा हूं कि मैंने यहाँ पे 10 डिग्री लिखा, ठीक है, 10 डिग्री लिखने जी के बाद 10 डिग्री लिखना है तो मैंने 10 और यहाँ पे स्मॉल में ओ को लिखा है, स्मॉल में ओ लिखा है, और मैं तो इस स्मॉल ओ ऑरेंज का ओ नहीं, ये स्मॉल इतना स्मॉल वो कैसे आएगा।
कैप्स में स्मॉल का स्मॉल होगा ना, अच्छा ठीक है, एक तो होता है कि कैप्स लेटर, या एक होता है स्मॉल लेटर, बड़ा एबीसीडी छोटा एबीसीडी। ओके सही है। तो इसको ओ को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप सुपर स्क्रिप्ट आपने किया तो ये 10 डिग्री है, ठीक है। अब तो ये मैं डिग्री हो जाएगा। डिग्री, ओके अब देखिए क्या है कि सही है। एंटर मार दिया, एंटर मार के नीचे टाइप करना है। अब यहां पे देखिए कि ऑलरेडी जो है आपका आपकी आवाज गायब हो गई। हेलो, सॉरी मैम, मैंने म्यूट कर दिया। और अच्छा यहाँ यहाँ बताने। हाँ यहाँ पे देखा आपने, जब अब मैं नीचे टाइप कर रहा हूँ तो काफी स्मॉल लेटर टाइप हो रहा है, जबकि यहाँ पे मेरा करेक्टर का साइज 11 है, फिर भी छोटा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि मेरा सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। ना हमारा ये सुपर स्क्रिप्ट। ओके, सुपर स्क्रिप्ट है ना? अगर इसको इसको सेलेक्ट करेंगे तो लेटर्स छोटे हो जाएंगे। हाँ, मैं सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ऊपर जाएगा लेटर होगा। तो अच्छा मैं एक बार आपने जो सुपर स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर लिया तो आगे इस्तेमाल आपको नहीं करना है, तो आप उसको वापस हटा दो, अनक्लिक कर दो, ओके ताकि ठीक है, हम लेटर या देखिए तो ये नॉर्मल लेटर दिखाएगा। यहाँ पे टाइप राइट होगा ठीक है। नॉर्मल लेटर टाइप, ये चीज का ध्यान, ठीक है। ओके राइट। अब इसमें मान लीजिए, अब किसी किसी मान लीजिए किसी वर्ड का, किसी सेंटेंस का मुझे अगर लेटर बड़ा करना है, फॉन्ट साइज बड़ा करनी है, तो यहाँ से तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि इसके द्वारा सेटिंग उसको हम बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। ये जो ए यहाँ पे दो लेटर होते हैं साइज 20 डिग्री, इसका इस्तेमाल, ओके राइट ठीक है। उसके बाद इसमें हम अपने वर्ड की केस को चेंज करने के लिए देखिए क्या होता है। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया तो इस पे क्लिक कीजिए, तो ये आता है सेंसिटिव केस। इसका मतलब कि सेंसिटिव केस में क्या होता है कि पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर आपका बड़ा होगा बाकी छोटा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा लिख दिया ना वीडियो का वी, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और हम इसको सेंसिटिव केस कर देते हैं, तो देखिए बड़ा हो गया। अच्छा सही है, ये जो है इसमें जाएंगे आप और वहां से हाँ अब चेंज। ओके सही है। लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो पूरा लोअर केस में हो जाएगा, और राइट अपर केस में करना है तो पूरा का पूरा अपर केस हो जाएगा। ओके और इसमें आता है हमारा कैपिटलाइज वर्ड, इसको हम टाइटल केस करते हैं। मतलब क्या होगा कि हर वर्ड का माने कि पहला लेटर जो है वो कैप्स रहेगा बाकी स्मॉल। राइट ठीक है। ये कर सकते हैं। दूसरा इसको बोलते हैं टॉगल केस। इसमें क्या होगा कि हर लेटर का पहला के मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ द ये होता है कैपिटलाइज इस वर्ड का, स्मॉल लेवल। ठीक है। ओके ठीक है। जनरली हम लोग सेंटेंस जो सेंटेंस केस होता है सेंटेंस केस को ही यूज करते अच्छा हैं, राइट। ओके इसका ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आगे बढ़ आप बात करते हैं फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हमारा आता है कि हमारा लेटर कैसा होना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा ये नॉर्मल है, नॉर्मल टाइपिंग है, लेकिन मुझे थोड़ा सा माने कि स्मार्ट टाइपिंग चाहिए, इफेक्टिव टाइप चाहिए, तो टाइपोग्राफी करते हैं, टाइपोग्राफी होनी चाहिए। तो उस केस में आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टाइपोग्राफी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक ओके है। तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे इसकी आउटलाइन का कलर क्या होना चाहिए, इसका शैडो क्या होना चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन कितनी होनी चाहिए, इसका ग्लो कितना होना चाहिए, ठीक है, इसका डिफॉल्ट नंबर कैसा होना चाहिए, इसका जो
जो आपका लिटरेचर होता है वो कैसा होना चाहिए और उसकी स्टाइल क्या होना चाहिए। राइट तो आप यहाँ से जैसा आपको जरूरत है वो, क्योंकि ये जरूरत तो अलग-अलग डॉक्यूमेंट के हिसाब से होता है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि आपको ये कहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी। कि आपको खुद अपनी क्या बोलते हैं मैम, अपनी सोच और समझ को यूज करते हुए आपको डिसाइड करना होगा कि क्या होगा। दूसरा, इसको ओके हाईलाइटर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई डॉक्यूमेंट अगर गलत है तो आप इसको यहाँ से करके किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जी हाईलाइटिंग क्या होता है, हम लोग बुक में भी हाईलाइट करते हैं ना, कि जो जो चीज हमें यहाँ पे खटक रही है या फिर मुझे किसी को बताना है। जैसे मान लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट लग रही कोई यहाँ इम्पोर्टेंट, मान लीजिए कि कोई आपके पास कोई रिपोर्ट आपने देखा, उसको रिसर्च रिपोर्ट आपके पास आया आपको पढ़ने के लिए, आपने उसको पढ़ा, लेकिन कुछ चीजें आपको लगा कि नहीं यार यहाँ पे ये कुछ ज्यादा ही है या होना ही नहीं चाहिए, या किसी भी तरह का लग रहा है कि नहीं ये कुछ है इस पे डिस्कस करना चाहिए, तो आप इसको हाईलाइट, ठीक है, ताकि आपको जी नेक्स्ट टाइम दोबारा से सबसे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि अगर आप कुछ बना रहे हो और हाईलाइट कर दिया किसी को भेजोगे तो उसकी नजर सबसे पहले इस पे पड़ेगी। तो हाईलाइट में दो चीज यूज होता है, एक कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसको हाईलाइट करें ताकि इन फ्यूचर में आपको कहाँ कहाँ क्या डिस्कस करना है आपको पता रहेगा। राइट दूसरा कि आप किसी को भेज रहे हो, आप चाहते हो कि ये सारे टॉपिक को सबसे पहले देखें, जरूरी है देखना, तो हाईलाइट करोगे ताकि तुरंत उसको पता चले। तो राइट इसके लिए इस्तेमाल करो, तो जहां हाईलाइट करना है उस लाइन को पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लो और ये हाईलाइटर से अपना जो भी कलर है वो कलर चूज करके हाईलाइट, ओके हाईलाइट हटाना है आपको कि नहीं, अब ठीक है हो गया, कुछ डिस्कशन हो गया, मुझे इसको नॉर्मल करना है तो इसी पे आपको नो कलर है, नो कलर कर दीजिए हाईलाइट। ठीक है अब बात करते हैं इसकी फॉन्ट कलर की, तो फॉन्ट कलर आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसा फॉन्ट चाहिए। अगर इसमें कलर आपको कोई आपके लाइक कलर नहीं है तो आप मोर कलर के जाए जहां पे आपको एक कलर का शेड, ओके तो यहाँ पे और सारे कलर का ऑप्शन है आपके हिसाब से इसको ले सकते, ठीक है। राइट और भी है कि आप इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ इसके जो चीज दी गई है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरा हम इस पे राइट क्लिक करके, यहाँ देखिए फॉन्ट, इस पे क्लिक करके हम फॉन्ट का जो आपका फॉन्ट पेज होता है उसको भी ला सकते हैं। जो चीज आपने यहाँ देखा ये सारे चीज यहाँ एक बार है, यहाँ से आपका रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक है, साइज है, कलर ऑटोमेटिक होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्टिक थ्रू लाइन होता है, स्टिक थ्रू लाइन बोलते हैं होता है वो हो गया, डबल स्टिक लाइन दो बार काटेगा, सुपर स्टिक, सब स्टिक, स्मॉल कैप, ऑल कैप, ये चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको टेक्स्ट जी इफेक्ट में जाएंगे आप, टेक्स्ट की इफेक्ट कैसा होना चाहिए जो ये बताया था मैंने आप, राइट तो यहाँ से इसको स्विच कर सकते हो। तो ये यहाँ पे इसकी डिटेलिंग में है, एक साथ एक जगह पे मिल जाता है, तो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। और एडवांस में आएंगे तो स्केलिंग क्या होना चाहिए, स्पेसिंग क्या होना चाहिए, मतलब कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में क्या कितना स्पेस होना चाहिए, ये सारे सेट सही है। तो ये सब फॉन्ट ऐसा सेट आपके में जाके सब ये दिखाएंगे। हिसाब से आप चूज कर सकते, ठीक है। हाँ तो इसमें तो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी चूज करूंगा। पहले आप एक बार देख लीजिए कि क्या इफेक्ट होता है, राइट ठीक जो है ऑप्शन समझ में ना आए उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ओके ओके फॉर्म पार्ट हमारा खत्म, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट का जिसको बोलते हैं पैराग्राफ पार्ट। तो पैराग्राफ पार्ट में सबसे पहले होता है अलाइनमेंट करना, ओके कोई भी हमने अगर मान लीजिए कि ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया कि लेफ्ट से,
हम सेंटर से करना चाहे तो सेंटर से सकता है, राइट से करना चाहे तो राइट से। और ये आपका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई। पता जस्टिफाई में क्या होता है? अब इसी इसी लाइन इसी देखिए को देख लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा कम गया, यहाँ पे थोड़ा कम गया। ऊपर देखिए स्पेस कम है, ये थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, ये कम गया। तो जस्टिफाई क्या करता है? इक्वल कर देता है हर एक लाइन को, इक्वल देखिएगा हर एक लाइन को इक्वल कर देता, दोनों इक्वल हो गया। अच्छा सही, ठीक है, जस्टिफाई इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लिखते हो क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ पे अपना वर्ड दिख रहा है, वो वर्ड बड़ा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा तो नीचे आ जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो स्पेस मान लीजिए कि यहाँ पे 10 माने कि यहाँ पे 5 लेटर का जगह है और 10 लेटर का हमने वर्ड लिख दिया तो नीचे आ जाएगा, लेकिन 5 लेटर का जगह यहाँ तो खाली रहेगा। तो राइट होता है कि बीच में अपने हिसाब का स्पेस बढ़ा देता है और बढ़ा के इसको जस्टिफाई करता ठीक है। ये नहीं करता है कि 5 वर्ड भी यहाँ सेट कर देगा, वो क्या करेगा कि इनमें इनके जो बीच एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में स्पेसिंग है उस स्पेसिंग को कम और ज्यादा कर देता है ताकि सारा इक्वल जस्टिफाई करे। राइट। अब दूसरा होता है कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो गैप आप देख रहे हो ना, इस गैप को मैनेज कर, बढ़ रहा है दिखा कम रहा है, अभी कम रहा है, बढ़ गया 1.5 किया तो आप देख रहे हैं कि स्पेस कितना बढ़ चुका है। हाँ यहाँ पे देखिएगा ये इसको सिलेक्ट कर लेना, पूरा सिलेक्ट कर लेना पूरा मेनू का, अभी कम गया या बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। ओ आई सी, अच्छा ये ऐसे होता है, ये नहीं मुझे पता था, ठीक है ठीक है। स्पेसिंग जो है लाइन की स्पेस, और आपको रिमूव करना है अगर किसी ने इसको बढ़ा दिया है, रिमूव करके नॉर्मल करना है तो क्लिक कीजिए, सारा स्पेसिंग जो है रिमूव हो जाएगा, जो भी आपने स्पेसिंग रिमूव हो जाएगा, राइट। अगर किसी ने रिमूव कर दिया और हर पैराग्राफ में स्पेस आपको दिखना है तो ठीक है, और ऑप्शन पे जाएंगे आप तो ये आपको पूरा ऑप्शन मिलेगा, पूरा इकट्ठा मिलेगा। अब बात ये हो गया हमारा स्पेसिंग, तो हमने अलाइनमेंट सीख लिया और पैराग्राफ की स्पेसिंग के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे जो आता है ये आता है डिक्रीज एंड इंक्रीज इन लेंथ। जैसे कि अपना यहाँ पे टाइटल हमने टाइटल दिया द वर्ड, अब यहाँ पे क्या है लेफ्ट है राइट है अक्सर तीन चीजें हैं क्या, जब खैर वो सेंटर में अपना टाइटल अभी तक से बोल रहे हैं, टाइटल जो हमारा है वो सेंटर में रख सकते हैं या लेफ्ट से रख सकते हैं या राइट से, तीन ऑप्शन है जी। मैं चाहता हूँ कि टाइटल जो है थोड़ा सा आगे है, जैसे हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो शॉर्ट लिखते हैं उसके नीचे से थोड़ा सा स्पेस देते हैं, उस तरह इन नेम इस्तेमाल किया जाता है। इन नेम क्या होता है थोड़ा 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 ठीक है, अच्छा ये थोड़ा थोड़ा करता है, ओके फाइन करता है तो इसका इस्तेमाल किया। और दूसरा ये आपका पैराग्राफ के लिए होता है कि पैराग्राफ की शॉर्टिंग के लिए, शॉर्ट पैराग्राफ को आप शॉर्ट कर सकते, लेकिन इसका यूज नहीं होता है, गलत हो जाता है ठीक है। वो तो मैं समझ आ गया, ये ए जी क्या था, वो एक्चुअली कॉल आ गई मेरे फोन पे तो जरा मेरा ध्यान जी, यही बता रहा हूँ शॉर्टिंग शॉर्टिंग है
जैसे मान लीजिए ना कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे, अच्छा ठीक, इस तरह से हमने कुछ नाम दिए, ठीक है, ओके इस नाम को अल्फाबेटिकली शॉर्ट, अल्फाबेटिकली शॉर्ट करना, तो ये एजी का इस्तेमाल असेंबली करना है या डिसेंबली। तो अगर इसका इस्तेमाल होता है तो आप लिस्ट लिस्ट को अपना इस्तेमाल करते हैं उसमें। एक सेकंड एक सेकंड, मेरे हस्बैंड आगे थे, मैं बात कर रही थी, सॉरी। आपने बताया कि ये सॉर्टिंग करने के लिए, राइट, ये बताया ना कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल। ओके ठीक है, मैं समझ गई कि ठीक है। समझ गए? तो सही, हाँ जी, ओके। तो जब अगर हम डाटा की एंट्री करते हैं, डाटा की, तो उसमें अगर हम कोई भी लाइक लिस्ट को रीअरेंज करना हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो उससे कर लेंगे एक दूसरे, आप, राइट। हाँ, लिस्ट वगैरह को अगर आपने वर्ड में बनाया हुआ है तो आप चाहते सॉर्टिंग करना, तो उसके लिस्ट इस्तेमाल। सही है, तो अब दूसरा यहाँ पे आता है पैराग्राफ मार्क, इसका कोई यूज नहीं। ये क्या करता है, जी जहां जहां पैराग्राफ, जहां जहां आपने एंटर मारा हुआ है एंटर, वहां वहां बताता है, जैसे सिंबल ऑफ एंटर कि हाँ यहाँ पे एंटर मारा गया, जैसे नहीं नहीं पैराग्राफ जहां जहां क्या किया हुआ है, दोबारा बोले, समझ नहीं आया बात। एंटर पेस्ट किया मैंने, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ना, इस पे एंटर पेस्ट, यहाँ पे साइन आ गया, एंटर पेस्ट कहां हमने किया है? मैंने बॉक्स के आगे लिखा और हमने एंटर प्रेस किया, तो टूट के नीचे अच्छा, पैराग्राफ जाएगा। इसको आप पैराग्राफ मार्क करते हैं, बताता है कहाँ कहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ है। ओ अच्छा, तो यानी कि जहां ये पी आ रहे हैं, इट मींस कि यहाँ पे चेंजिंग हुई भी है। हाँ, पैराग्राफ चेंज हुआ है, मतलब इसके बाद नीचे पर नया पैराग्राफ। अच्छा, नया नई स्टार्ट हो रही है, ओके सही है, ठीक। हटाने के लिए वापस क्लिक कीजिए। अब बात करते हैं बुलेट्स, बुलेट, यस, बुलेट्स यूज करना जानते हैं आप? हाँ जी, आती है मुझे, चलिए आपको हम थोड़ा सा ओवर दे देते हैं, जैसे मैं नेम कभी यहाँ, कभी भूल भी जाती हूँ ऐसे, कभी कभी भूल भी जाती हूँ, मगर वो बुलेट्स डालनी होती है, तो उसको करते हैं, प्रेस करते हैं और बुलेट्स फिर में करते हैं, राइट। एक तो नॉर्मल है, यहाँ पे आप अपने सैंपल के अकॉर्डिंग आप डालिए क्या सैंपल हो, हाँ सिंबल डाल दीजिए। दूसरा आता है कि नंबरिंग, यहां से आप नंबरिंग चूज कर सकते हैं, क्या नंबर होना चाहिए। और नंबर ठीक, कितना है कि आप 1 2 3 या 1 2 3 इन द ब्रैकेट, या आपका जो रोमन नंबर है, या अल्फाबेटिकली है, कैपिटल कैप है, स्मॉल, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे आता है, आता है बुलेट एंड सबुलेट, ठीक है, जी हमने इंदर डाला और इंदर के बाद हमें यहाँ पे इसके मान लीजिए कि सिटी है, या डिपार्टमेंट सिटी मान लीजिए, तो एक बात है, इंदर हमारा हेडिंग हो गया, इसको सब हेडिंग ही होगा। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करके अगर मैं इस बुलेट कर सकता हूँ, तो वन इंदर एन बी ओह आई सी, ओके, हाँ ऐसे, इसके भी जी, आपको सब पार्ट है, मतलब अब दिल्ली हो गया, अब दिल्ली के भी मेरे पास सब पार्ट, अब दिल्ली का है मेरे पास कि दिल्ली में मेरा साउथ है, दिल्ली में मेरा नॉर्थ है, तो अब इसमें क्या होगा, अब पुणे भी मेरे पास क्या है, पुणे में एनसीआर है, और मेरे पास मान लीजिए कि अब इसको सिलेक्ट किया, अब मैंने इसको सिलेक्ट, वो पहला नंबर दिल्ली ए और एक पहला
राइट ठीक है, तो कभी भी इसका इस्तेमाल कर जी जी सकता है ना, हमें बुलेट के अंदर सब बुलेट का तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, ओके मल्टी लेवल लिस्ट इस्तेमाल। उसके बाद अब बात करते हैं बोर्डर्स, ये देख रहे हैं बोर्डर्स, किसकी बोर्डर्स बोर्डर्स बॉर्डर नहीं समझ नहीं आ रही हो बॉर्डर बॉर्डर लाइन बॉर्डर बॉर्डर लाइन बॉर्डर बॉर्डर ओके लाइन बॉर्डर मुझे सुनाई दे रहा है कि जैसे बॉर्डर करना किसी को मैंने कही आप क्या कह रहे हैं जैसे कि मेरे पास मान लीजिए ना कि कुछ कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया नीरज, मैंने दिया इंदर, अब इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ठीक है इस तरह से बोलते ओके 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 ठीक है। तो ये क्या होता है पैराग्राफ बाई पैराग्राफ होता है, सरस हो गया, लेकिन मुझे इनके बीच में भी चाहिए, तो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, इनका भी एक अलग हो सकता है, लेकिन नहीं इसके लिए, लेकिन इनका यूज हम ना करके हम लोग डायरेक्ट हम बॉर्डर को ड्रॉ ही कर देते हैं, इनका यूज तो हम बॉर्डर हमें कब ये बॉर्डर हमें कब चाहिए होता है जैसे कि मुझे अगर कुछ लिस्ट रखना है ना तो हमको टेबल ही ड्रॉ कर देते हैं, बॉर्डर की जगह पर कुछ टेबल ही ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कुछ लिस्ट भी चाहिए आपको इस तरह का चाहिए, जैसे यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे सिटी हो गया, इस तरह के लिस्ट हम लिखते हैं या ये स्प्रेडशीट बना रहे हैं क्या आप स्पेशल, एक्सेल में स्पेशल नहीं बोलते, सब टेबल बोलते हैं। टेबल बोलते हैं ओके तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके बॉर्डर जो है वो तो है ठीक है, लेकिन मुझे इसके बॉर्डर जो है थोड़ा सा अलग चाहिए, तो आप यहाँ से बॉर्डर की चीजें कि भाई इस तरह का बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए ठीक है, ओके राइट ये स्लाइस से यहां से अपने बॉर्डर टेबल का जो बॉर्डर आपने दिया है वो बॉर्डर को चेंज कर सकते ठीक है सही हैं, लाइन में करोगे जहां पे बॉर्डर नहीं होगा वहां पे इतना से ठीक है, तो ओके जी इस तरह का इस्तेमाल तो आप पैराग्राफ पे जब जाओगे तो यहाँ पे इकट्ठे सारा चीज, तो हमने फॉन्ट पार्ट को एंड पैराग्राफ पार्ट हमने खत्म कर दिया। बात करते हैं स्टाइल पार्ट, स्टाइल ये क्या होता है कि आप यहाँ पे तो अपने हिसाब से चेंज करते ही हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना आपको अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जो है ना आपको स्टाइल आपका कैसा होना चाहिए, ओके तो आप इस हिसाब से क्विकली सिलेक्ट कर सकते ठीक है, यहां से आप क्विकली सिलेक्ट कर सकते, या फिर आप एक स्टाइल बहुत बार बार यूज करते हो तो क्रिएट स्टाइल पे जाके आप अपने लिए स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, स्टाइल वन हो गया और उसकी मॉडिफाई पे क्लिक करके आप अपना चीजें सेलेक्ट कर सकते हो कि सेंटर होना चाहिए या बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, क्या फॉन्ट होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, और क्या ये मतलब कि बाकी जो चीजें इसमें है वो सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका भी हम यूज हम बहुत कम करते हैं ठीक है, ओके राइट तो हमें इसी मिल जाता है, तो स्टाइल इसके लिए इस्तेमाल नॉर्मल। और अब हम होम मेनू की लास्ट ऑप्शन को देखने जा रहे हैं वो है एडिटिंग, एडिटिंग में जैसे कि हमारे पास फाइंड है, रिप्लेस है, सिलेक्ट है, फाइंड के बारे में देखते हैं कि अगर कोई वर्ड मुझे ढूंढना है इसमें ठीक है, जैसे मुझे पता करना है कि पूजा इसमें है कि नहीं, वो रिजल्ट हाईलाइट करेगा कि हाँ पूजा आपको अच्छा नेविगेट करेंगे आप ओके ठीक जितने भी जगह है उतना जगह पे आपको देखनी चाहिए फाइनेंट हाँ जी ठीक है ठीक है, तो एक कंट्रोल एफ जो
होता है, उसका सॉल्व पर फुल फॉर्म होता है, उसका इस्तेमाल हम सही। करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है कि मान लीजिए कि जो पूजा है, रिप्लेस को क्लिक करते हैं, रिप्लेस और फाइंड दोनों होता है, फाइंड यहां से भी ले सकते हैं, रिप्लेस करके भी फाइंड ले सकते हैं, ऐसे मोर ऑफ। तो रिप्लेस हुआ कि मैं मुझे जो है पूजा को क्या है यहाँ पे पूजा सिंह करना है, तो जहां जहां पूजा हो अब यहाँ पता है रिप्लेस, तो ये वन बाय वन रिप्लेस करेगा। ठीक है, रिप्लेस ऑल क्या करेगा कि जहां जहां पूजा होगा पूरे उधर। जैसे मान अच्छा पूजा ठीक है। फाइव फाइव टाइम्स है, तो आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो ये वन बाय वन पूजा पे जाएगा, पहली पूजा रिप्लेस करेगा, तो मैं दोबारा क्लिक करूंगा दूसरी पूजा करेगा, मैं तीसरी बार क्लिक करूंगा तो तीसरी पूजा करेगा, लेकिन जब मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो जितने भी पूजा हो उसको एक साथ कर देगा। अच्छा ठीक। ठीक है, हाँ जी समझ तो आ रहा है मगर अब करके देखेंगे। इसके लिए इस्तेमाल होता है। और गो टू तो हमारा, हम गो टू पे जा सकते हैं, पैराग्राफ पे, पेज नंबर पे जाना है या सेक्शन पे जाना है या लाइन पे जाना है, मुझे चौथे लाइन पे जाना है, चौथा लाइन नया पे डालू हुआ तो मुझे वहां पहुंचा, मैंने बोला तो मुझे चौथे लाइन पे जाना है, गो टू दोनों चौथे। ठीक है, जी इसका इस्तेमाल। और सेलेक्ट जो होता है सिलेक्शन के लिए होता है, सिलेक्शन आप कैसे बनाओगे, सिलेक्ट ऑल पूरा सिलेक्ट कर देगा, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपने कोई ग्राफिक्स डाल रखा है पिक्चर वगैरह तो उसको सिलेक्ट कर हाँ देगा। और यहाँ पे होता है सिलेक्ट ऑल द विद सिंगल फॉर्मेटिंग, जैसे कि मान लीजिए ना कि आपने 10-20 जगह हाईलाइट कर रखा है तो सिर्फ हाईलाइट को ही करेगा अच्छा ठीक है। सिलेक्ट। जैसे मान लीजिए ना कि आपने दो तीन जगह हाईलाइट कर रखा है और उसको कॉपी करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट वहां पे काम करेगा, सिलेक्शन बना देगा, आप कॉपी कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से मैंने होम मेनू का चैप्टर, होम मेनू का सारे चीजें हमने कवर कर ओके ठीक दिया। है। आपको क्या करना है, आप एक इस पर प्रैक्टिस कर लें और देखिए कोई टॉपिक मिसिंग तो नहीं है जो कि जिसको आपको जरूरत है। सही ठीक ठीक है, है। उसकी एक आप बार मुझे इसकी भेज देगा जरा जल्दी इसकी क्या नाम रिकॉर्डिंग। मैं वैसा खुद भी करके देखूंगी मगर रिकॉर्डिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं हाँ प्लीज़। तो कीजिए, फिर हम कल की क्लास में आगे इंसर्ट मेनू बार के तरफ देंगे और इंसर्ट मेनू बार के तरफ। अच्छा ये बताइए कि कल क्या आप मेरी क्लास जल्दी ले सकते हैं। जल्दी तो नहीं मैम, क्योंकि कल फ्राइडे है और बाकी बैचेस भी होते हैं ना। नहीं, बात सुने कल फ्राइडे कहाँ से है। कल तो थर्सडे। अच्छा मेरा तो फ्राइडे होगा ना, आपका फ्राइडे। तो मेरी छुट्टी कल होगी या फ्राइडे की होगी। नहीं कल क्लास लूंगा मैं आपकी। कल लेंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ कल गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे ये पता नहीं है कि मैं 10 बजे 10:30 बजे क्लास में आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, आप बैच में अकेले हैं।